PFI एक ऐसा संगठन जिसे भारत सरकार ने UPI के तहत बैन कर दिया है और गैरकानूनी भी घोषित कर दिया है। PFI में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है और साथ ही साथ हिंसा भड़काने का भी आरोप है। पिछले कुछ दिनों में PFI के दफ्तरों में ED और NIA ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में कुल 250 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। क्या है PFI, इसका क्या इतिहास है और हिंसा से जुड़ी खबरों में हमेशा PFI का नाम क्यों आता रहा है? आर्केडियन सीरीज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे UAPA की भी, इसकी क्या भूमिका है। दोस्तों, आप सबको मेरा यानी दिव्यांशु का नमस्कार। गृह मंत्रालय की तरफ से 28 सितंबर 2022 को एक नोटिस जारी करते हुए ये हवाला दिया गया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत PFI तथा उससे जुड़े 8 संगठनों को अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया जाए। नोटिस दिया गया कि इस संगठन की जमीनों को सील कर दिया जाए तथा बिना DM के परमिशन के कोई भी एक्टिविटी न हो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक की सरकारें पहले ही इन संगठनों को बैन करने की मांग करती चली आई हैं। ये बैन तब लगाया गया है जब NIA ने और ED ने PFI के दफ्तरों पर छापेमारी की और उसके 109 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 27 सितंबर 2022 को फिर 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने बताया कि PFI और उससे जुड़े संगठन खुले में तो खुद को बहुत सामाजिक और शरीफ बताने की कोशिश करते हैं, किंतु इनका एक और भी चेहरा है जो लोकतंत्र को ख़त्म कर देने के लिए समाज के विशेष वर्ग को कट्टरपंथी बनाने का कार्य करता है और देश की संवैधानिक व्यवस्था को ख़त्म करने जैसी एजेंडा पर कार्य करता है। PFI कर्नाटक के हिजाब मामले में खुद काफ़ी इंटरेस्टेड रहा है। PFI देश की एकता, अखंडता और शांति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। PFI पर आखिरकार इस तरह के बैन का क्या मतलब है? हम सभी को मालूम है कि आतंकवाद को लेकर UN में काफ़ी सारे रिसोल्यूशन पास किया गया है। UAPA की धाराएं इतनी सख्त हैं कि एक बार जिस पर लग गई तो उसे उबरना नामुमकिन हो जाता है। इस समय देश में कुल 42 संगठनों को आतंकवादी गतिविधियों की लिस्ट में रखा गया है, जिनमें लिट्टे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, लश्कर ए तैयबा, ISIS, इंडियन मुजाहिदीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओवादी, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन शामिल हैं। अब बात करते हैं UAPA की, जिसके अंतर्गत PFI को बैन किया गया है। UAPA की धाराएं किस प्रकार की हैं और उसकी क्या धाराएं हैं? UAPA पर हमेशा ही आरोप लगता चला आया है कि यह कानून सरकारें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। वो संगठन जो सरकारों को नापसंद है, उनको बैन करने या उनके काम को बाधित करने के लिए इन कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार 2016 से लेकर 2020 की अवधि में 5,027 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 24,134 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें से केवल 212 लोगों को दोषी ठहराया गया, 386 को बरी किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 97.5% मुकदमे की प्रतीक्षा में हैं। 25 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम ने डिस्कशन ऑन डेमोक्रेसी डिसेंट एंड डिक्रोनियन लॉ शुड UAPA सेडिशन हैव ए प्लेस इन ए सेटल बुक शीर्षक से एक वेबिनार पर बातचीत की। उन्होंने UAPA को कठोर कानून कहा। उन्होंने बताया कि UAPA ही वो कानून है जिससे बिना मुकदमे के फादर स्टैन स्वामी को मृत्यु का कारण बना दिया गया। स्टैन स्वामी एक कार्यकर्ता थे जिसने 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा में उनकी कथित भूमिका और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से संबंध रखने के लिए UAPA का आरोप लगाया गया था। बाद में COVID-19 के कारण जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। न्यायाधीश आलम ने यह भी कहा कि UAPA की वास्तविक सज़ा 2% है। उन्होंने संभावना जताया कि ये कानून
उन स्थितियों को जन्म दे सकता है जहां मामला विफल हो सकता है, लेकिन आरोपी को 12 साल की सज़ा हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा, इस मामले में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं हो सकता, लेकिन आरोपी को भुगतना पड़ता है और प्रक्रिया ही सज़ा बन जाती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।